है और दूसरे मैच की पहली गेंद फेंकी जा चुकी है। इस वक्त सीके ओवल से मैं संजय बबलू लगातार प्रो क्रिकेट चैंपियनशिप ट्रॉफी के साथ दो अच्छी टीमों के साथ, और खास बात रही है कि इन दोनों टीमों की जर्सी एक जैसी है, कहीं आप ऐसा ना हो कि समझ जाएं एक ही टीम के लिए। जी नहीं, इस समय पेस सेटर्स जिन्होंने आज पहला मुकाबला खेला उनके साथ मास्टर का मैच चल रहा है। हालांकि पेस सेटर्स इस मुकाबले में थोड़ा सा थकान जरूर नजर आ रहा था क्योंकि बैटिंग थोड़ा ज्यादा देर तक की थी, लेकिन बॉलिंग में आज मंगा चिनोरिया ने चुनौती को स्वीकार करते हुए 4 ओवर 15 रन और 6 विकेट लिए हैं। उनकी शानदार गेंदबाजी आज कमाल की रही है। फिलहाल इस समय यहां पर मैच बहुत ही अच्छी पोजीशन में देखना है जाएगा क्योंकि बॉलिंग और बैटिंग दोनों टीमों की बहुत ही शानदार है। ना केवल हम बात करें तो टीम जो इस समय एसएस है, बल्कि दूसरी टीम की भी बहुत अच्छी है। बढ़िया गेंद, ऑफिशियल्स बाहर की गेंद, खूबसूरत तरीके से गेंद को निकाला, डीप बैकवर्ड पॉइंट के पास से पीछे फील्डर दौड़ा, गेंद गिरफ्तार, गेंद बॉडी लाइन पर, 4 रन, एक और खूबसूरत शॉट आज के दिन इस मुकाबले में, बॉल बहुत ही तेजी के साथ जाती हुई बाहर। बढ़िया गेंद, शॉर्ट बॉल, अच्छा कमबैक, और इस समय मैच ये चल रहा है मास्टर बैटर वर्सेस टीम दूसरी तरफ जो है पेस सेटर के बीच ये मैच चल रहा है, और जिसमें गेंदबाजी हो रही है पेस सेटर की तरफ से और बल्लेबाजी मास्टर की तरफ से होती हुई। इस यहां पर बढ़िया गेंद और एक रन के लिए निकल पड़े हैं। पिछली गेंद में काफी लाउड अपील थी लेकिन नॉट आउट का फैसला दिया अंपायर ने।
बढ़िया गेंद बॉलर के सर के ठीक सामने खेला और कोई मौका नहीं गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। इस वक्त 13 रन बन चुके हैं 1 ओवर 2 गेंद से। बॉलिंग में मनीर इस समय बॉलिंग कर रहे हैं टीम के लिए। ये देखा जाए तो पिछले मैच में इन्होंने शानदार गेंदबाजी की थी। मंगा और मनीर ये 2 गेंदबाजों ने कहर बरपाया था। ये गेंद अच्छी गेंद थी। अगली गेंद सामने की ओर खेला वहां पे मंगा चुनौरिया गेंद को फील करते हुए कोई रन नहीं अपनी जगह 1 रन जरूर लिया वहां पर। और इस तरीके से ये आज बहुत ही अच्छा मैच पहला हुआ था हालांकि वो बॉलर्स के लिए मैच हुआ। दूसरा मैच हो रहा है ये अभी बीच की शुरुआत हुई है। एक बार फिर गए यहाँ पे मनीर ये गेंद बैकवर्ड पे बढ़िया कट शॉट करारा शॉट इलेक्ट्रिक शॉट कोई मौका नहीं किसी के पास 4 रन। सनी चौधरी और मोहसिन वानी हैं इस समय बल्लेबाज। मोहसिन ने ये शॉट खेला था मनीर की अगली बॉल। इस ओवर में 2 चौके 1 सिंगल 1 डबल यानी काफी रन आ गए हैं 18 रन हो चुका है। डाउन द लेग ये लेग स्टंप से बाहर और ये वाइड बॉल का सिंगल देते हुए अंपायर। बढ़िया गेंद और सामने की ओर खेला मिड विकेट के क्षेत्र में फील्ड हुई 1 रन और। इसी के साथ यहां पर 2 ओवर के बाद स्कोर है 20। 2 एक्स्ट्रा आए हैं जरूर इस समय 20 बिना किसी नुकसान पे 2 ओवर के बाद टीम मास्टर इस समय बल्लेबाजी करते हुए। तो मंगा चुनौरिया बढ़िया गेंद हालांकि शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई है अब तक 2 ओवर में 20 रन आ गए हैं तो मैं समझता हूं कि एक बड़ी शुरुआत रही है।
अच्छी गेंद सामने की ओर खेला, मैदान पर फील्ड हुई गेंद और कोई रन नहीं उस गेंद पर। मैं आपको बताना चाहूंगा इस समय बहुत ही शानदार मुकाबला चल रहा है और कहना मुश्किल है कौन सी टीम जीतेगी। बैटिंग चल रही इस समय मास्टर बैटर्स की, दो ओवर में 20 रन आ चुके हैं, दोनों ही सेट बैट्समैन हैं। हालांकि मनीष मोहसिन वानी ने जो एक चौका लगाया था काफी इफेक्टिव था। ये गेंद, बढ़िया गेंद, अच्छा डिफेंस और सीधे बॉलर बैक ड्राइव, कोई मौका नहीं वहां पर रन लेने के लिए। इसी बीच उस गेंदबाज का इंतजार जिसने पहले मैच में 6 विकेट लिए थे, इस मैच में बैक टू बैक दो मैचेस खेलते हुए पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, खूबसूरत ड्राइव कवर के क्षेत्र में, कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। गंगा चुनौरिया की ये गेंद थोड़ा सा बाहर किया इस बार ऑफ स्टंप से और ये वाइड बॉल, आसान नहीं होता है लगातार आप पहले मैच में 4 ओवर करें और दूसरे मैच में भी बैक टू बैक, बढ़िया गेंद इस बार थोड़ी सी ऊपर की ओर बॉल। हालांकि वो गति जो पहले मैच में हमने देखी थी, जो एनर्जी हमने पहले मैच में देखी थी, वो शायद इस समय कम हो चुकी है। फिर भी मैं समझता हूं कि अच्छी बॉलिंग और बैटिंग का क्या जवाब है, बहुत ही बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है एक टीम की भावना जो होती है टीम में, ये दोनों अपने बल्लेबाज कर रहे हैं और इस समय अगले बल्लेबाज भी हमारे खड़े हो चुके हैं, इकबाल। और इकबाल जी जो कि सेकंड, ये पहला विकेट गिरने के बाद अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये गेंद बढ़िया दिशा दिया था गली के क्षेत्र में, वहां फील्डर मौजूद हैं और वहां से कोई रन नहीं। बाएं हाथ के बल्लेबाज का नाम है इस वक्त जो बैटिंग कर रहे हैं सनी, और दूसरी तरफ है वहां पे मोहसिन वानी।
जो कि जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और ये देखिए इंटायर इंडिया के लोग इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। ये को बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। मंगा चुनौरिया धन्या से ओवर द विकेट ये बॉल लेके गए। विकेट पे देखने वाली बात, इस बार भी लगातार ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद और हल्का सा वाइड यॉर्कर डालने की कोशिश, लेकिन अटेम्प्ट जो यॉर्कर कर रहे हैं वो हो नहीं पा रहा है और इस तरीके से ये डॉट बॉल। अगर मोहसिन वानी की बात करें, इसी टूर्नामेंट में कल एक मैच में जो इनका पहला मैच था, 91 रन बनाए थे उन्होंने, तो वो फॉर्म अभी भी झलक रहा है। और इस बार अच्छी गेंद थी, स्लैश किया टॉप एज के तौर पे गेंद थर्ड मैन की दिशा में, हवा में थी लेकिन लैंड किया सेफ, थर्ड मैन डीप में नहीं था और इस तरीके से ये बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। स्कोर की हम बात करें तो इस वक्त 34 रन बन चुका है। भंगा चुनौरिया की ये गेंद, बढ़िया गेंद सामने की ओर, थोड़ी सी ओवर पिच बॉल, बढ़िया ड्राइव, ओह माय गॉड, लुक एट द टाइमिंग, प्योर टाइमिंग ऑन दिस बॉल, ब्यूटीफुल कवर ड्राइव और कोई मौका नहीं, गेंद बॉडी लाइन के बाहर, 4 रन के लिए बाहर। दूसरा मैच चल रहा है दिन का आज और वो मंगा जिन्होंने पहले मैच में कमाल की बॉलिंग की थी, इस ओवर में वो इंटेंट नहीं देखने को मिला, लेकिन ये दिन होता है, कई बार वो बॉल लेंथ पे नहीं आती है और उससे परेशानी हो जाती है। यहाँ पर अब ओवर जो बीत चुके हैं वो 4 ओवर और 4 ओवर के बाद जो 40 के करीब रन पहुंचा है इस समय, मैं आपको बताना चाहूंगा 38 रन बिना किसी नुकसान पे। मोहसिन वानी की कल वो पारी आपने देखी होगी इसी प्रो क्रिकेट चैंपियनशिप ट्रॉफी में, जिन्होंने एक शतक तो नहीं पूरा किया लेकिन 91 रन खूबसूरत बनाए। राहुल चिनौरिया का पहला ओवर थोड़ा सा महंगा, इसमें हमने देखा खूबसूरत शॉट भी लगा, हालांकि अभी मैच ऑन है और कई सारे ओवर आने बाकी है, तो जल्दबाजी होगी जज करना कि ये कहना कि अभी कौन सी टीम हावी है एक दूसरे पे। शशि बढ़िया गेंद, राइट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद बिल्कुल स्टंप की लाइन में रखा और अच्छा डिफेंस किया वहां पर बल्लेबाज ने। सनी जो कि स्ट्राइकर वाले छोर पे हैं, जगह मोहसिन है और सनी है नॉन स्ट्राइकर पे। शशि अगली बॉल लेकर तैयार और इस बार उछाल के खेला नीचे उसके फील्डर मंगा चिनौरिया ने कोई गलती नहीं की, आज इनका दिन है। फील्डिंग में भी देखिए कमाल की एफर्ट दे रहे हैं और बॉलिंग में भी इन्होंने बढ़िया एफर्ट किया और इस तरीके से ये इकबाल अगले बल्लेबाज जाते हुए। पांचवा ओवर चल रहा है इस समय 38-1, इस समय इकबाल बरार जा रहे हैं अगले बल्लेबाज और यहां पर अच्छा कैच लिया था
मंगा चिनोरिया ने। और इसी बीच अगली गेंद बॉलर के ऊपर से खेलना चाहते थे, निचले हिस्से पे लगी गेंद सीधे बॉलर के पास, कॉट एंड बॉल और ये दूसरा विकेट गिर चुका है। आज के दिन इस मुकाबले में बहुत ही बढ़िया ये मैच चल रहा है और हमारे स्कोरर दीपक जी से जानना चाहूंगा मैं, इस वक्त स्कोर है 38 पे ये दो, इस समय मैं आपको बताऊं तो ये बहुत ही बढ़िया मैच है। इस वक्त अगले बल्लेबाज को तैयार होने में थोड़ा सा वक्त लगा, शायद मुझे लगता है कि ये खेल भावना बनाए रखना चाहिए और अगले बल्लेबाज को जल्दी भेजना चाहिए था। इसी के साथ यहां पर दो विकेट के नुकसान पर 38 रन बना लिया है मास्टर ब्लास्टर की टीम ने।
इस वक्त मैं समझता हूं कि इस समय 40 रन पर दो विकेट खो चुकी है इस समय ब्लास्टर की टीम, और आउट होने वाले बल्लेबाज में यहां पर इकबाल और इसके अलावा मोहसिन वानी थे, और बॉलिंग में शशि है इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, और ये इस ओवर की आखिरी बॉल होगी। ये पांचवा ओवर चल रहा है सीके ओवल का ये मैदान, और आज के दिन का दूसरा मुकाबला गाय विकेटों पर। बॉलिंग के लिए दाने से ये गेंद, अच्छी गेंद, बीट हुए बिल्कुल भाग्य का साथ, इंच के फर्क से भी शायद कम रही होगी गेंद और स्टंप की दूरी, लेकिन ये थोड़ी बन गई मजबूरी गेंदबाज के लिए, और कभी कभी विकेट ऐसे वक्त में नहीं मिलता है। पांच ओवर 40 रन दो विकेट। थैंक यू सो मच प्रो क्रिकेट चैंपियनशिप ट्रॉफी का ये दिन अच्छा जा रहा है, उनके ऑर्गेनाइजर को बधाई शिव जी, इंटायर टीम, फाउंडर मैम, ग्राउंड स्टाफ और जितने टीम मेंबर्स हैं, स्कोरर, अंपायर, ये सभी का योगदान रहा है इस टूर्नामेंट में। मैं संजय आप सभी के बीच में लगातार कुछ दिनों से आपके बीच में आ रहा हूं, और आज गर्मी का एहसास हो रहा है, हालांकि ये नवंबर का पहला सप्ताह चल रहा है, 2 तारीख का आज दिन। वैसे दिल्ली NCR में खासकर हम बात करें, ये ग्रेटर नोएडा का क्षेत्र है, यहाँ पे सर्दियों का सितम पहले सप्ताह में दिखता है, लेकिन आज गर्मी की उमस थोड़ा सा परेशान कर रही है। इस बीच एक बार फिर बॉलिंग में मुनीर की गेंद ऑफ सिस्टम से बाहर की गेंद कट किया, पॉइंट के पास पहुंची गेंद, शॉर्ट बॉल। 40 पे दो इस समय पावर प्ले का आखिरी ओवर चल रहा है। मुझे अच्छा योगदान दिया है सहयोग के तौर पर यहाँ के ग्राउंड स्टाफ ने, विकेट जो बनाते हैं उनसे मैंने बात की, उन्होंने कहा सर ये बहुत बड़ा अच्छा टूर्नामेंट है, इस वजह से मैं मेहनत कर रहा हूं, और वाकई में होना चाहिए। दुनिया के कोने में अगर आपका नाम होगा तो आपकी काबिलियत के ही बदौलत होगी, और प्रो क्रिकेट चैंपियनशिप पूरे भारत में इस समय चर्चाओं का विषय में है। इसी बीच अगली गेंद मिड विकेट के ऊपर से उछाल के मारा है, कोई मौका नहीं एक टप्पे के साथ, हालांकि केवल दर्शक बन के रह गए वहां पे मंगा, और ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए जा चुकी है। और इस बार अच्छी गेंद थी, कवर के सामने ड्राइव किया, ये बेहतरीन। कुछ खिलाड़ी मुझे नजर आ रहे हैं, सीसी बरार, करण, ये भारत के कई कोनों से आए हैं, और लेकिन क्या बेहतरीन प्रदर्शन रहा। मैं चाहूंगा इनका भविष्य उज्जवल हो, इनकी भविष्य की शुभकामनाएं करना चाहूंगा। मंगा चिनौरिया का आज दिन रहा।
6 ओवर के बाद 49 49 आफ्टर 6 ओवर और यहां से ये पावर प्ले समाप्त हुए हैं। स्कोर अच्छा है लेकिन दो विकेट भी गिरे हैं। अब देखना होगा कि पहले मैच में थोड़ा सा जो बॉलिंग का विश्लेषण था वो तेज गेंदबाजों का अच्छा था, इस मैच में क्या होता है। एक छोटा सा ड्रिंक ब्रेक हुआ है क्योंकि अगर खिलाड़ी बैक टू बैक मैच खेलते हैं तो थोड़ा परेशानी होती है, तो ये अंपायर ने शायद एक फौरी तौर पर राहत देती हुई ये बात कही है कि सही है, थोड़ा सा ब्रेक तो होना चाहिए। शशि आए एक और ओवर लेकर, पावर प्ले के बाद एक नए ओवर की शुरुआत होती हुई जो कि सातवां ओवर होगा। ये अच्छी शुरुआत है, शशि गए विकेट पे, ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद वहां पर पॉइंट पे खेला, रन के लिए निकल रहे हैं, हालांकि मिसफील्ड हुई है। क्या रन आउट होंगे? जी नहीं, पहुंच गए हैं। क्या शानदार ये दौड़ लगाते हैं, जैसे ही खेला वैसे ही दौड़ पड़े विकेटों के बीच में। बढ़िया गेंद, एक और रन यहां पे मिलता हुआ, 50 के आंकड़े को पार कर लिया टीम ने, 52 पे 2 हो चुका स्कोर।
इस समय पार्टनरशिप एक बिल्डअप होती हुई दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके हैं और यही खास बात है इनकी कि ये जब सेट हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया खेलते हैं। 80 की अगली बॉल, एच लगा, स्लिप से कैच छूटा, मैं ग्राउंड्समैन विनेश जी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस ग्राउंड को बनाया। और मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि सर ये विकेट खासकर एकेडमिक विकेट एकेडमी के बच्चों के लिए बनाया जाता है क्योंकि उनको पेस और बाउंस की जरूरत पड़ती है। तो एक अच्छी सोच के पिच क्यूरेटर है यहाँ पे सी के ओवल में कि मैच अच्छा चले, बॉलर्स को भी मदद मिले, गेंदबाज को भी मदद मिले और इसी वजह से आज सी के ओवल का जो ये मैदान है सबकी चहिता मैदान है। ये थोड़ा हवा में जरूर था लेकिन नो मैंस लैंड एरिया में गेंद गिरी, काफी पीछे थे डीप लॉन्ग ऑन के फील्डर, इस वजह से थोड़ा मुश्किल हो जाता है ये कैच। हालांकि जो एनर्जी लेवल पहले मैच में देखने को मिला था पेस सेटर्स का वो इस मैच में देखने को नहीं मिल रहा है। मास्टर बैटर्स अच्छा कर रहे हैं, अभी तक स्टार्ट अच्छा मिला और खास बात रही है आप देखें तो ये दोनों ही टीमों की जर्सी एक जैसी ही है कि ये बहुत ही बाहर वाइट होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा ये इंडिया का बहुत ही बड़ी कॉर्पोरेट चैंपियंस माफ कीजिएगा इंडिया की बहुत ही बड़ी यंग टैलेंट के लिए दिखा बहुत ही बड़ी लीग है ये।
तो यहाँ पे एक और विकेट मिला है, माफ कीजिएगा, नॉट आउट का फैसला दिया अंपायर ने।
वक्त अच्छा स्कोर चल रहा है और दोनों ही बल्लेबाज सेट हो चुके हैं। स्पिन अटैक इस समय मैदान पर, ये गेंद अच्छी गेंद थी, सामने की ओर खेला, कवर पर फील्ड हुई गेंद, डॉट बॉल। अच्छी गेंद थी लेकिन स्टंप से पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ गई है गेंद। पीछे फील्डर दौड़ रहा है लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि गेंद की रफ्तार बहुत तेज और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। चार रन। अभी थोड़ी देर पहले जो स्टैटिकल आंकड़े होते हैं सांख्यिकी, हिंदी के शुद्ध शब्दों में दीपक यादव स्कोरर ने बताया, 10वें ओवर के दौरान 88 रन बने हैं। हालांकि ये कम नहीं होते हैं, मैं समझता हूं कि T20 में इस दौरान अगर आप 80 या उसके ऊपर रन बनाते हैं तो एक बड़ा स्कोर ही कहा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक यादव जी, अंकुश जो उनके साथ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग टीम से, उनको भी बधाई। लेकिन मैं एक चीज जो देख पा रहा हूं कि आज आसमान में बादल हैं लेकिन ये संकट के बादल नहीं, कोई बारिश नहीं, लेकिन उमस जरूर है। और एक बार फिर गेंदबाजी में अगली बॉल लेके तैयार है इस समय गेंदबाज। धन्यवाद से राउंड विकेट, ये गेंद अच्छी गेंद थी, हल्के से खेला, पुश किया, रन के लिए जा रहे हैं और ये एक रन पूरा कर लिया। हालांकि इस मैच में मुझे लग रहा है जहां तक ओवर रेट थोड़ा सा स्लो है क्योंकि बैक टू बैक मैच खेल रही है यहां पे
ये लेकिन इसी बीच अगली गेंद और इस बार बहुत खूबसूरत तरीके से ग्लांस किया, कोई मौका नहीं, डीप फाइन लेग और स्क्वायर लेग के बीच से गेंद चीरती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। इस समय मास्टर बैटर्स का स्कोर है इस मुकाबले में 10 ओवरों के बाद 87 रनों पर, 4 विकेट गिरे हैं ऐसी जानकारी हम तक आई है। धन्यवाद स्कोरर महोदय और दोनों ही अंपायर को मैं बधाई देते हुए कि ओवर रेट को और आगे बढ़ाएं सर, क्योंकि आज का तीसरा भी मुकाबला होना है, प्रो क्रिकेट चैंपियनशिप ट्रॉफी का आज दिन का ये दूसरा मैच होता हुआ। हालांकि दोनों ही सीनियर ग्रुप की ये टीम है, एलीट ग्रुप जिसे कहा जाता है, और क्रिकेट का जितना मुझे अनुभव है इस ग्रुप में जो भी मैचेस होते हैं वो बड़े मैच होते हैं। एक मैच जीत के खेल रही है जो आज के दिन का पहला मैच था वो टीम फील्डिंग में, और पहला मैच जीत के आज के दिन का दूसरा मैच खेल रही है वो है टीम मास्टर बैटर। तो कोई एक दूसरे से कम नहीं है, स्कोर इतना अच्छा है कि अगले 10 ओवर तक देखना है कितना जाएगा, ये हम सभी देखेंगे। सी के ओवल का ये मैदान और मैं संजय बबलू लाइव कॉमेंट्री के साथ प्रो क्रिकेट चैंपियनशिप ट्रॉफी के दौरान आप सभी हमारे साथ जो श्रोता जुड़े हैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
कितना खूबसूरत नजारा इस समय प्रो क्रिकेट चैंपियनशिप ट्रॉफी का। दूसरे मैच की यह पहली पारी चल रही है। और ये देखिए स्कोर तो 100 के करीब पहुंच रहा है। थैंक यू सो मच मिस्टर दीपक यादव। 100 के करीब पहुंच चुकी है इस समय 11वें ओवर के दौरान। ये एक एग्जांपल है कि आप किस तरह से खेलते हैं। हल्की सी लेग स्टंप से बाहर की गेंद टर्न की ऑन साइड में एक रन के लिए। यहां से अब एक बड़े स्कोर की ओर अग्रसर मास्टर बैटर्स। ऐसा लग रहा है कि उनके बैट्समैन सेट हो चुके हैं। ये दोनों ही अच्छी नहीं खेल रही है। गेंद अच्छी गेंद थी। आउट की अपील लाउड अपील है लेकिन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि बॉल ऑफ स्टंप को मिस करती हुई जा रही थी जहां मैं खड़ा हूं इस वक्त। और मुझे तो स्पष्ट समझ में आ रहा है लेकिन अंपायर का क्या नजरिया है वो अलग हो सकता है। शायद मैं कभी गलत हो सकता हूं लेकिन अंपायर इज द गॉड ऑफ द क्रिकेट। ही इज द वेरी क्लोज पर्सन इन द क्रिकेट। वो इतने करीब हैं कि वो क्रिकेट को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ये गेंद अच्छी गेंद थी बढ़िया शॉट और पीछे फील्डर ने कोशिश बड़ी अच्छी की है फिर भी बॉल क्या रुक पाएगी जी नहीं। रोनाल्डो का गोल हमने बसते हुए देखा है लेकिन इस गेंद को बसते हुए नहीं देखा है और गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई है 4 रन के लिए। ये कैच मुझे लगता है कि इस मैच का ही नहीं आज के दिन का सबसे शानदार कैच। मैं नाम जानना चाहूंगा थोड़ी देर बाद अपडेट होगा। शशि है जिन्होंने ये कैच लिया। क्या कैच एक मिरकल अविस्मरणीय अनविलेबल स्पेक्टिकुलर जितने भी शब्दों से सराहना की जाए कम है इस मैच के दौरान। ये तो बेहतरीन शॉट कमाल का शॉट और ये उड़ती हुई पंछियां मुझे नजर आ गई। शायद हमारे कैमरामैन देख रहे होंगे इनको कैद करना चाहिए। ये एक देखिए ये देखिए उड़ती हुई पक्षियां नजर आ रही हैं और ये तो अच्छा लग रहा है नजारा बहुत ही बढ़िया। सीके ओवल का 12 ओवरों के बाद 105 रन है और मैं आपको बताना चाहूंगा ओवर रेट थोड़ा सा धीमा है। शायद अंपायर इस बात को सुन रहे हैं या समझ रहे हैं।
अच्छी गेंद, ड्राइव किया और कोई रन नहीं। बढ़िया गेंद और इस बार ऑन साइड में टर्न किया और इस बार एक रन के लिए खेला गया शॉट। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी लेकिन टाइमिंग बहुत ही अच्छा किया और मिड विकेट के पास पहुंची, दो रन मिल जाएगा और दो रन के साथ स्कोर 112 पे पहुंच चुका है, चार विकेट के नुकसान पे। एक अच्छी शुरुआत दी है और एंड कितना अच्छा होगा ये देखने वाली बात होगी। तो मेरे ख्याल से ये स्टंपिंग का फैसला सही है, ये आउट जो है ना मैं देख पा रहा हूँ क्योंकि मैं ठीक कैमरामैन के साथ बैठा हूँ और जो एंगल दिख रहा है मुझे उसके हिसाब से इनका पैर हवा में था और ये सटीक फैसला आया है डीडीसी के अंपायर वहां पे इस समय रोशन लाल के द्वारा। बढ़िया गेंद और इसी के साथ इस बार फाइनल की दिशा में खेला गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चार।
बढ़िया गेंद, इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर के दिशा में खेला और मुझे लग रहा है कि एक ही रन मिलेगा और इस समय ये फिनिशिंग टच की ओर जाते हुए। और मैं आपको बताना चाहूंगा 14 ओवर 2 गेंद से 119 पे 6, ये मास्टर बैटर का स्कोर है 15वें ओवर में 119 6 विकेट के नुकसान पर। फ्री हिट की बॉल और ये सामने की ओर खेला लॉन्ग ऑन के पास और ये 4 रन, सनी के 50 रन पूरे और ये केवल 37 गेंदों में हुए हैं, ओपनिंग करने के लिए आए थे। एक और ओवर समाप्त हुआ है और इस तरीके से इस समय 15 ओवर 125 रन, लास्ट 5 का काउंटडाउन आना बाकी है। इस समय 30 गेंदें बची हैं, 125 रन बन चुके हैं और ये देखना दिलचस्प होगा कि अगले 5 ओवर में कितना रन बनाते हैं मास्टर बैटर। ये तो गुगली बॉल, याद आ गई वो गेंद जो कभी कभी हम देखते थे, पीयूष चावला की वो गेंदबाजी। और पीयूष चावला की गेंदबाजी में समझ में आता था वो एक जो बॉलिंग थी और इसी के साथ ही बोल्ड हो गए। इस वक्त मैं आपको बताना चाहूंगा 15 ओवर 2 गेंदों का खेल हुआ है 126 पे 7 विकेट का पतन हुआ है। सनी अभी भी यहां पर आउट हुए हैं और अब देखना है अगले बल्लेबाज कौन जाते हैं। 126 पे 7, 15 ओवर 2 गेंद यानी 16वां ओवर चल रहा है।
बढ़िया गेंद और इस बार शॉर्ट फाइन लेग शॉर्ट थर्ड मैन पे खेला और एक रन मिला। और इस समय दीपक बता रहे हैं 129 पे 7 है स्कोर। बढ़िया शॉट इस समय शनि। इस समय अगर टोटल स्कोर की बात करें तो 65 पे खेल रहे हैं शनि और टीम की रनों की संख्या 140 पे पहुंच चुकी है। रेड से जो है आप ब्लू नहीं हो रहा है।
आइए। कर दिया भाई ऑन। चैनल क्या है? एक। ठीक है, ये लीजिए। दूसरा भी पॉकेट में रख लीजिए ना। अरे तो कहाँ जाएगा, मैं तो आपको दे। इसका कवर नहीं दिए हो? चालू करके दिया। और इसी बीच हवा में और इस बार लॉन्ग ऑन के पास एक रन के लिए खेला गया है।
अच्छी गेंद, हवा में गेंद और इस बार कवर पे फील्ड हुई गेंद ये, लेकिन कोई रन नहीं। बढ़िया गेंद और सामने की ओर खेला, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रन। अब वंडरफुल शॉट और ये छह रन, 154 रन बने हैं 18 ओवर 3 गेंद से, यानी कि अभी भी 9 गेंदें आना बाकी। बढ़िया गेंद और इस बार सामने की ओर खेला लॉन्ग ऑफ पर और इसी के साथ एक रन आउट, माफ करिएगा, दूसरा रन भी तेजी के साथ पूरा कर लिया, 160 रन बन चुके हैं 7 विकेट के नुकसान पर। हालांकि 86 रन बन चुके हैं, शतक के लिए इस समय 14 रनों की और आवश्यकता है, लेकिन गेंदें बची है केवल 6। और ऐसा हमने देखा था आज के पहले मैच में, एक बल्लेबाज जो कि निर्मल, जिनको निर्मल पांडे के नाम से लोगों ने फेमस कर दिया, वो है निर्मल सिंह,
पहली पारी का खेल यहीं समाप्त हुआ है और पहली पारी के बाद स्कोर है 168 रन बने, 169 का टारगेट है। हाँ लगा दो, लगाओ, दो मिनट दे दो। इस वक्त मौजूद है दूसरे मैच के एक बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस के साथ में, जिनका नाम सनी है, जिन्होंने 62 गेंदे खेली हैं, 11 चौके और 3 छक्के लगाए और रन बनाए 93। सो एक बहुत ही बारी बेहतरीन खेली, हालांकि जो टारगेट है वह 168 रन का है और देखना है कि अगली टीम कितने रन बना पाती है, ये तो बात का विषय है। लेकिन सनी, वेल बैटेड, वंडरफुल इनिंग प्लेड बाय यू। शुरू में गए थे ओपनिंग करने के लिए और
क्या चल रहा था आपके सामने, विकेट निकल रहे थे, क्या चल रहा था आपके माइंड में, व्हाट वाज गोइंग ऑन योर माइंड? माइंड में यही चल रहा था कि विकेट बचा के रखना है, और थोड़ा पहले बॉल स्विंग हो रहा था तो थोड़ा देख कर खेलना था वहां पे, तो जब ओवर पावर प्ले निकल गया तो बॉल हिंदू हट गया था, इतना स्विंग नहीं हो रहा था, तो तब थोड़ा सा आसानी हो रहा है, सिंगल डबल विकेट भी गिरती जा रही थी, तो थोड़ा सा बीच में मोमेंटम ऐसा भी आया कि देख कर भी खेलना चाहिए था, तो अच्छा। तुसे पंजाबी पाजी, पंजाबी का टोन ज्यादा आ रहा है, तो पंजाब में जो माहौल है, और आप ग्रेटर नोएडा में आए हैं और प्रो क्रिकेट चैंपियनशिप ट्रॉफी में, क्या माहौल है यहाँ पर? यहाँ पर अच्छा है माहौल, सही है, फिर बहुत बढ़िया माहौल है। कैसा विकेट थी आप बल्लेबाजी के लिए, व्हाट वाज लाइक विकेट टू बैट ऑन? विकेट के लिए अच्छी अच्छी विकेट है, बैटिंग के लिए बहुत ही, पहले देखकर खेले तो बाद में तो आसान हो जाता है, आसान इतना भी मुश्किल नहीं है विकेट पे। आपके लिए अगर मैं फ्यूचर क्रिकेट की बात करें तो इंडियन टीम में आपका कौन सा प्लेयर ऐसा रहा जो रोल मॉडल रहा है, आपका आदर्श आइडियोलॉजी? विराट कोहली। विराट कोहली, दुनिया की पसंद विराट कोहली, लेकिन कई बार कुछ लोग सचिन तेंदुलकर, कई लोग महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन प्रो क्रिकेट की हम बात करें, ये जो चैंपियनशिप ट्रॉफी चल रही है, इसके विषय में क्या शब्द है, अंपायरिंग, स्कोरिंग, कॉमेंट्री एंड ऑल द मैनेजमेंट, कुछ शब्द? मैनेजमेंट अच्छा है, वधिया है, अंपायरिंग भी बहुत अच्छा है, सही है सब कुछ बिल्कुल। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? पंजाब मोगा जिला लोपो से। पंजाब से, एक जिले से आए हुए हैं और पंजाबी ये हैं। सुपा जी आपने बहुत बढ़िया खेली, सनी आई थिंक ब्रिलियंट इनिंग प्लेड बाय यू, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इनिंग एवर आई हैव सीन इन माय इन एकेडमिक लाइफ, सो वंडरफुल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर ब्राइट फ्यूचर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। और यहाँ से ये देखिए, सनी जिन्होंने बहुत ही अच्छी इनिंग खेली, जिन्होंने हमसे बात की और उनको लगा कि ये पंजाब से ऐसे गांव से निकल के आए हैं, शायद उनको मौका मिल सकता है, ये देखने वाली बात है कि प्रो क्रिकेट चैंपियनशिप ट्रॉफी इनको मौका देती है कि नहीं। जी हाँ, दिया है इनको मौका, क्योंकि इन्होंने बनाए हैं 93, दुर्भाग्य से 100 रन से थोड़ा सा पीछे रह गए, ओवर हो चुके थे 20, लेकिन शायद अगले मैच में वो कर सकेंगे अपनी पूरी सेंचुरी पूरी। बहुत बहुत शुक्रिया। ग्राउंड से मैं संजय बबलू, इस समय सीके ओवल का मैदान, दूसरी पारी दूसरे मैच की शुरू होने जा रही है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।
बढ़िया शॉट सामने की ओर खेला, स्ट्रेट चौका। दूसरी पारी का खेल शुरू हुआ है दूसरे मैच का इस समय, और इस दौरान मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये टारगेट बहुत ज्यादा नहीं है। अगर जिस तरह से टीम खेल रही है, अगर ऐसी ही खेलती रही तो शायद बहुत करीब भी पहुंच सकती है। इस वक्त स्कोर 11 पे पहुंच चुका है, और मैं आपको बताऊं टोटल जो टारगेट है इस मैच में वो 169 का है। और अगली टीम ने पहले मैच में अच्छी बैटिंग करते हुए 187 रन बनाया था। बढ़िया गेंद, डॉट बॉल। खास बात है दोनों टीमों की एक जैसी जर्सी है, बढ़िया कलर्स में नजर आ रही है। ये पहला ओवर इस समय करते हुए मैं आपको बताऊं सनी चौधरी, जिन्होंने बैटिंग में भी कमाल किया था, वही सनी चौधरी 93 रन बनाए थे 62 गेंदों में और 11 चौके लगाए थे, 3 छक्के। ये देखने में दिलचस्प होगा, अच्छे परफॉर्मेंस के प्लेयर हैं ये, बैटिंग और बॉलिंग। इस तरह के ऑलराउंडर की बहुत जरूरत होती है। ये पहला ओवर समाप्त हुआ 12 पे, कोई विकेट नहीं। और इस तरीके से आपको मैं बताऊं तो यहाँ से अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन से गेंदबाज को आजमाते हैं। राहिल आ रहे हैं इस समय गेंदबाजी में दूर वाले छोर से, और इस वक्त बढ़िया शॉट इसी बीच मिड विकेट के ऊपर से खेला है, और ये 4 रन। और ये शॉट अगर आप देखें तो बैटिंग में रजत यादव, जिनका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहा है पहले मैच में भी,
कलात्मक बल्लेबाज रहे हैं ये। प्रो क्रिकेट चैंपियनशिप ट्रॉफी का ये दूसरा मैच आज के दिन का,
बोल दो यार, ये कभी कभी बंद हो जाती है, ये पता नहीं कैसे। बटन जब तक बंद नहीं करोगे तब तक होगी। शानदार मैच चल रहा है और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला है। हालांकि थोड़ा सा डिले जरूर हुआ है, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट आज के दिन का तीसरा मुकाबला भी हो जाएगा यहाँ पर। सिबिच अगली बॉल, बढ़िया गेंद सामने की ओर खेला, मिड ऑन पे फील्ड हुई गेंद और एक और अच्छी गेंद। अच्छी गेंदबाजी हो रही है, फ्री हिट की गेंद थी तो आउट नहीं होंगे बल्लेबाज। और मुझे लगता है कि बहुत ही शानदार टूर्नामेंट चल रहा है यहाँ पर, और ये एक ऐसी बॉल थी जिसपे लाइसेंस मिलता है, लाइसेंस टू किल दिस बॉल, बट बैट्समैन नेवर आउट एक्सेप्टिंग रन आउट। होल्ड हो गए। फ्री हिट के बाद की अगली बॉल बहुत ही शानदार अंदर की तरफ आई, इन सिंग यॉर्कर, और ये बोल्ड हो गए। प्रो क्रिकेट चैंपियनशिप ट्रॉफी की यही खास बात है, ये विकेट जानदार, ये ग्राउंड जानदार, मैनेजमेंट शानदार, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है।
इस समय सुरेंद्र कुमार बल्लेबाजी में जाते हुए, और मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत ही शानदार तरीके से ये मैच चल रहा है। कवर पे खेलकर ये रन पूरा किया और इसी के साथ यहाँ पे इस समय स्कोर हुआ है 31 रन, जबकि 3 ओवर 5 गेंद हुई हैं। बढ़िया शॉट ऑन ड्राइव और ये 4 रन आफ्टर एंड ऑफ ओवर नंबर 435 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एंड चेजिंग स्कोर ऑफ आई थिंक 169। दिस इज द बिगेस्ट टारगेट ऑफ द मैच। बढ़िया ये गेंद नहीं थी, ये बहुत ही ज्यादा बाहर, और इसी के साथ अंपायर का इशारा वाइड बॉल के लिए। और ये देखना दिलचस्प होगा कि अगली बॉल किस तरीके से करते हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, एक और वाइड, कंसेक्यूटिव वाइड, 2 गेंद लगातार वाइड। बहुत ही बढ़िया मैच है और इसमें 169 का टारगेट है, और मुझे लगता है कि अफताब इस समय इंजर्ड होके बाहर आते हुए, और मुझे लग रहा है कि चोट थोड़ी सी ज्यादा लगी है इस समय। हालांकि देखिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट देखने को मिल रही है प्रो क्रिकेट चैंपियनशिप ट्रॉफी में, 2 खिलाड़ी उनको बाहर लेके आते हुए, और मुझे लग रहा है चोट थोड़ी सी ज्यादा है। चार ओवर के बाद 37 रन, 2 विकेट, 169 के जवाब में इस समय बैटिंग करते हुए टीम अब इस समय 132 रन चाहिए 92 गेंदों में।
एक खिलाड़ी इंजर्ड होने की वजह से आपको बाहर जाना पड़ा है और इस समय दूसरे विकेट कीपर जेन्युइन तौर पे अगर आप देखें तो शायद पहले जो विकेट कीपर थे वो शायद चेंज हो गए हैं और उनकी जगह अब दूसरे विकेट कीपर आ रहे हैं, यानी कि वो बॉलिंग करेंगे। आफ्ताब टीम के लिए एक बॉलर हैं। बढ़िया गए सामने की ओर खेला इसे। बढ़िया गेंद और इस बार स्क्वायर की दिशा में खेला, कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रन। रन का टारगेट इसी बीच अगली गेंद और इस बार ठीक बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में खेला है, कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रन। और इस समय हमारे बीच में चिनौरिया पंजाब से बहुत ही छाया हुआ लड़का और परमार सर की मार्गदर्शन में हम उम्मीद करते हैं कि ये लड़का आज नहीं कल जरूर इंडियन टीम में आएगा, हमारी शुभकामना इसके साथ में। और ऐसे ही खिलाड़ी जो इस समय प्रो क्रिकेट लीग में ठीक मैं उनके डगआउट से बाहर निकल रहा था तो मेरी आवाज उन तक पहुंची और मैंने देखा कि उनके चेहरे पे मुस्कान और तालियों की गड़गड़ाहट यानी बिग राउंड ऑफ अप्लोज वो देखने को मिला। और निर्मल पांडे, जिनका निक नेम निर्मल पांडे है लेकिन है वो निर्मल सिंह, और मैंने देखी थी दबंग फिल्म एक जिसमें पांडे जी का बड़ा नाम हुआ था, रॉबिन हुड का स्टाइल था, लेकिन इनका स्टाइल बैटिंग का है, अभी भी इनका आना बाकी है और ये जब बैटिंग में जाएंगे तो मुझे लग रहा है कि ये स्कोर जो है शायद बहुत छोटा हो जाए क्योंकि इनकी बैटिंग स्टाइल मैंने जो देखी है अपने आप में काबिल तारीफ, काफी बढ़िया टेक्निकली शॉट लगाते हैं अकॉर्डिंग टू क्रिकेट मैनुअल शॉट, बिकॉज ऑफ आई हैव सीन जस्ट लाइक अ पुल एंड कट एंड ड्राइव, दीज आर द शॉट्स। सो निर्मल बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। और इसी के साथ ये मैच अब देखना है,
ऑफ स्टंप से बाहर इस बार बहुत खूबसूरत तरीके से कट किया, कोई मौका नहीं एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, गेंद बाउंड्री लाइन के बाद चार रन। ओह माय गॉड, व्हाट अ लवली टाइमिंग, वंडरफुल शॉट, और ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाद चार रन गिर जाती हुई। एक 169 का टारगेट है इस समय और बहुत ही शानदार बल्लेबाजी हो रही है, जवाब करारा मिल रहा है इस समय। यही तो खास बात है प्रो क्रिकेट चैंपियनशिप ट्रॉफी की, कांटे के मुकाबले यहां होते हैं, किसी खिलाड़ी के साथ भेदभाव नहीं और किसी खिलाड़ी के साथ अन्याय नहीं। फील्ड किया गया उसी के साथ एक रन और मिला। मेरे फील्ड का नाम
बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद, सीधे विकेट कीपर के पास पहुंची डॉट बॉल। इस समय स्कोर बोर्ड पे स्कोर है 64-3, 7 ओवर 4 गेंद पर। विकेट कीपर से गेंद छूटी है, डीप फाइन लेके पास पहुंची ये गेंद और मुझे लग रहा है कि शायद विकेट कीपर ने कोशिश बहुत की थी लेकिन वाइड का इशारा तो नहीं क्योंकि थोड़ा सा अंदर की तरफ ये गेंद आई थी, बाई का इशारा किया अंपायर ने।
बढ़िया गेंद और इस बार हवा में गेंद, उसके नीचे फील्डर है और ये कैच छूटा। इस समय जो है बहुत ही शानदार मैच चल रहा है और बढ़िया मैच चलता हुआ इस समय। और इस समय जो है ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से भी ये बैटिंग करते हैं। थोड़ा सा दबाव जरूर है, कई बार चीजें अप एंड डाउन होती हैं, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि देखना दिलचस्प होगा। अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर की ये गेंद और इस बार खेलने का प्रयास किया था कवर पे और इस बार एक रन के लिए खेला गया शॉट। अस्सी रन बन चुके हैं तीन विकेट पर। इसी बीच अगली गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑफ पे खेला है कॉर्पेट के साथ में, यानी कि अलोंग विद द कॉर्पेट ग्राउंडेड शॉट, जमीन की सतह से गेंद गई, एक रन मिला, 81 पे हो चुका है तीन विकेट के नुकसान पे। बाएं हाथ के बैट्समैन इस समय तैयार हो रहे हैं, जगश्री, जगश्री नॉट जगत श्री, आई हैव नो, मैं जानता हूं उनको, पहले मैच में भी खेला था। जगश्री इज अ ओपनर बैट्समैन। सो आपका नाम अगले कैप्टन जो है अकरम भाई, बहुत ही अच्छी शख्सियत के मालिक है। मैं चाहूंगा इंशाल्लाह, इनको ऊपर वाले ने बड़ी तहजीब दी है बोलने की। और दूसरी तरफ है कैप्टन मोहित जो हमारे साथ में थोड़ी देर के बाद शामिल होंगे इस तीसरे मैच के दौरान, और इस ओवर के बाद हम जरूर उनसे मिलना चाहेंगे, दोनों ही कप्तान से और हमारे बिल्कुल कश्मीर, ना कि कश्मीर, कश्मीर में सेबू की खुशबू है। और हम चाहेंगे अगली बार जब प्रो कॉर्पोरेट चैंपियनशिप ट्रॉफी से जुड़ेंगे अकरम भाई, जरूर हमारे उस सेबू का सेवन कराएंगे। क्या शानदार ये टूर्नामेंट और दुआएं हैं, ये मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, मेरी अर्जी है। और चूंकि मैं उर्दू के अल्फाज को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, काफ़ी नात मैंने पढ़ी भी है,
और इसलिए मुझे जानकारी है। और मैं चाहता हूं कि धर्म एक है, मजहब एक है, हम आप अलग हैं, सोच अलग है, लेकिन ऊपर वाला एक है, और इसी सोच के साथ रहेंगे तो शायद हम कभी एक दूसरे से कभी भेदभाव नहीं करेंगे। अच्छा शॉट, इसे फिल्टर है, क्या रोक पाएंगे? मुझे तो लग रहा है कि जज अच्छा किया, और रोनाल्डो इस समय फेल हो जाते हैं इनकी फील्डिंग देख के, जो गोल में जाने से गेंद को बचा लिया। और ये बेहतरीन, बिल्कुल ये मशविरा इसलिए क्योंकि कई बार ये गेंद पैर पे भी लगती है सर, और यहाँ पे ये कामयाब रहे हैं उनकी फील्डिंग का एफर्ट, दो रन बचाए उन्होंने। और इस समय अगली गेंद सामने की ओर खेला है और लॉन्ग ऑफ पर फील्ड हुई, एक रन और। So we are ready for the third match for the toss. And we have the captain from Mohawks, Mr. Mohit, and from ball burner seniors, Mr. Akram. And this is the third match. Agar aap sur ki or dekhein, to humare cameraman shayad us or dikha rahe hain ki thodi si lalima hai. Getting a redness, lekin match ho jayega kyunki shayad ummeed hai ki dono team mein acha performance karenge. So, who'd go call first? Kaun pehle bole? Akram bhai. So, here is the toss for the third match.
टेल्स कॉल बाय अकरम, इट इज अ टेल। सो अकरम, अकरम भाई आपने टॉस जीता, व्हाट इज योर डिसाइड, व्हाट इज योर चॉइस टू डू फर्स्ट? सर वी विल गो फॉर बैटिंग फर्स्ट। एंड व्हाट इज योर रीजन फॉर चूजिंग बैट फर्स्ट? सम आई थिंक द लाइट इज वेरी डिम, सो दैट्स व्हाई आई विल टेक अ डिसीजन। तो उसके लिए मैं जो ऊपर से जो हमारी 24 का मैचेस है और इसलिए ये मैंने डिसीजन लिया गया हुआ है। बिल्कुल सही फैसला। अगर आपको लगता है कि शायद फ्लड लाइट की थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है तो उसके वजह से आपने पहले बैटिंग का फैसला जो लिया है। और आपको क्या लगता है कि कितना टारगेट होना चाहिए ये 20 ओवर के मैच में? हम तो ये कोशिश करेंगे हमारा टारगेट 160 या वो हो, ठीक है। नेक्स्ट गेम के लिए वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे, और डिपेंड करता है हमारे प्लेयर्स कैसे प्ले करता है। सो वी विल होप गुड फॉर, यस, ऑल द बेस्ट फॉर योर मैच। अकरम भाई बहुत ही अच्छी शख्सियत, और जैसा मैंने देखा है बाय नेचर ह्यूमन बॉडी की बात करें, ह्यूमैनिटी की बात करें, तो अकरम जी का नेचर अपने आप में काबिले तारीफ है। और इस तरह के नेचर्स के साथ आप क्रिकेट खेलते हैं तो बहुत आगे जाएंगे। हमारी उम्मीदें अकरम के साथ है, हमारी दुआएं अकरम के साथ है। ऑल द बेस्ट फॉर योर टीम। और मोहित यहाँ पे मार्वक्स के टॉस भले ही आ रहे, मैच अभी भी जिंदा है, आपकी टीम की पहली जो मौका मिला है वो गेंदबाजी का, किस तरह से ले रहे हैं इस मैच को? सर कोई चाहते हैं कि हम भी गेंदबाजी अच्छी करें और टारगेट जो है सबसे छोटा ले, टारगेट इतना बड़ा रन है चेस करने दें, गुड मिस, हम बॉलिंग अच्छी करेंगे। कैसा रहा ये टूर्नामेंट? बहुत ही शानदार माहौल रहा है प्रो क्रिकेट चैंपियनशिप ट्रॉफी का, और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये युवाओं के लिए। हाँ सर, बहुत बहुत बढ़िया रहा ये टूर्नामेंट, और इससे चीज़ बहुत सीखने को मिली आगे करियर में, बट हम चाहते हैं कि ऐसे आगे खेलते रहें सर। ऑल द बेस्ट मोहित फॉर योर टीम एंड डू योर 100%। आई थिंक मैच अभी बाकी है और 20 ओवर है। आई थिंक ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच मोहित। And the news from the center, from the third match of the day, from CK Oval, captain from, Akram has won the toss and elected to bat first. Akram ji ne toss jeeta hai aur pehle ballebazi karne ka faisla liya. Ground zero, yani ki seedhe abhi bhi match chal raha hai, lekin toss ye pehle isliye karaya gaya kyunki hum nahi chahte hain ki match deri se shuru ho. Aur yahi khas baat hai pro cricket. प्रो क्रिकेट चैंपियनशिप ट्रॉफी की हर चीजें अपने आप में परफेक्ट है, और इसी के लिए पूरे भारत में ये चैंपियनशिप अपने आप में नंबर वन बन चुकी है। संजय बबलू कमेंट्री के साथ लगातार उस मैच में भी हाजिर रहेंगे और आगे भी। तब तक के लिए नमस्कार, शब खैर, धन्यवाद। आइए इस मैच में बात करते हैं, और इस समय जो है इक्यानवे रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर, और ये देखना
अच्छा होगा कि कैसे मैच आगे जाता है। इस समय हल्का सा आज ऐसा लग रहा है कि धूप असर कम कर रहा है। तीसरे मैच को लेकर क्या फ्लड लाइट ऑन होगी, इसके विषय में अभी जानकारी देना थोड़ा सा मुश्किल है। यार एक गलती हो गई, मेरी तरफ से नहीं हुई, आपकी तरफ से, ये लड़के की तरफ से हुई, इसने वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं किया। बुलाओ बुलाओ दोनों को बुलाओ, फिर से टॉस नहीं होगा, टॉस हो चुका है, वो बैठ जाएगी।
13वें ओवर के दौरान 99 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर, और यहां से जीत के लिए 70 रन चाहिए 46 गेंदों पर। हालांकि उनके पास 7 विकेट हैं इस समय, और ये देखने वाली बात होगी कि इन गेंदों में किस तरह का वो काम करते हैं। फिलहाल इसे पिच अगली बॉल, बढ़िया शॉट सामने की ओर करारा, एक बॉल ब्रॉड थे और उन्होंने गेंद को रोका, लेकिन तुरंत लगभग 70 के करीब रन चाहिए इस समय, और ये शाम के वक्त आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला खेला जा रहा है, और ये देखने वाली बात होगी कि कितना जल्दी होगा। अच्छा मैच चल रहा है और आज का दूसरा मैच है, और अभी भी जीत के लिए उतने रन बनाने हैं जो कि शायद ये टीम कर सकती है। दे विल डेफिनेटली डू आई थिंक दिस टारगेट। अभी भी देखने वाली बात होगी उनके पास पहले मैच के हीरो, यानी कि जिन्होंने शानदार पारी खेली, जिनका मैंने सुबह इंटरव्यू लिया था, और वो निर्मल पांडे, जिनका निर्मल सिंह का नाम बाकी है। तो मैच बहुत ही शानदार चल रहा है, और इस समय सी के ओवल से प्रो क्रिकेट चैंपियनशिप ट्रॉफी से मैं संजय बबलू लगातार आपके बीच में। इसी बीच अगली गेंद आने ओवर द विकेट, ये गेंद और उछाल के मारा है, क्या ये कैच होगा? जी नहीं, गैप में गई गेंद और मिड विकेट की दिशा में गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए एक शानदार चौका।
तो इस वक्त थोड़ा सा व्यवधान आया था टेक्निकल टीम से, लेकिन माफी चाहूंगा उसके लिए। ये चीजें बहुत जल्दी अपडेट हो जाएंगी। और इसी के साथ यहां पर ओवर हो चुका है और ओवर की समाप्ति जो हुई है उसके अपडेट और रनों की अपडेट मैं आपको बताना चाहूंगा। इस वक्त 130 रन बन चुके हैं और ये ओवर जो समाप्त हुए हैं 16 ओवर, 16 ओवर के बाद 130 रन। तो अब जीत के लिए जो अब रन चाहिए वो मैं आपको बता दूं, 24 गेंदों से 39 रनों की जरूरत। उन्नीस गेंदों से उन्तीस रन चाहिए। 29 in 90 balls। बाल बाल बचे हैं, बढ़िया गेंद।
17 गेंदों से 28 रन चाहिए इसी बीच अगली बॉल और बहुत ही खूबसूरत तरीके से गेंद को निकाला पॉइंट की दिशा में और एक रन के लिए खेला गया शॉट। बढ़िया गेंद, पहला रन तेजी के साथ, दूसरे की मांग, लेकिन आसान नहीं होगा ये रन लेना। बढ़िया गेंद और अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट, एक रन और मिला। ये गेंद तो मुझे लग रहा है काफी ज्यादा बाहर है और इसे वाइड होनी चाहिए। बारह गेंदों से 23 रनों की जरूरत है इस समय, 23 in 12 बॉल। बैट की अपील बिल्कुल सामने पकड़े गया और इसी के साथ LBW का डिसीजन अंपायर का आउट का आता हुआ। अगली बॉल, अच्छी गेंद अंदर की तरफ आई, डॉट बॉल।
आठ गेंदों से 20 रनों की जरूरत है। बहुत ही शानदार मुकाबला। थोड़ा दूसरा मैच डिले शुरू हुआ है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से ये मैच जाएगा वहां पर। बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद करते हुए समय सनी। इस समय पवन आए हैं बॉलिंग करने के लिए। अठारह रन छह गेंदों से। सोहन है स्ट्राइक पे, अब पवन जी हैं गेंदबाज। नॉन स्ट्राइक पे है बल्लेबाज शशि। पहली गेंद और ये बोल्ड। पांच गेंदों से 18 चाहिए। विकेट की संख्या हम बताएंगे आपको, 9 हो चुके हैं। आखिरी जोड़ी मैदान पे। और इस समय एक और वाइड। पांच गेंदे 17 रन। और इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है फील्डिंग टीम ने। मास्टर्स बैसर्स ने इस मुकाबले को 16 रन से जीत लिया है और पेस सेटर्स की तरफ से केवल 152 रन बनाए गए। पूरी टीम ऑल आउट हुई है। इस तरीके से यहां पर 16 रन से मैच जीत लिया है। छोटे से ब्रेक के बाद तीसरे मैच के लिए आएंगे। धन्यवाद।